चंद्रशेखर पराशर, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूं पिछले 30 साल से। और आज हमने ये ऑर्गेनाइज किया जब हमने देखा कि दमन लोगों पे बढ़ता जा रहा है इस सरकार का, और जो शांतिप्रिय तरीके से जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में और कॉलोनियों में, बस्तियों में जो लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर दमन किया जा रहा है, उनको बदले की भावना से और एक संप्रदाय खास को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हमने उनकी सॉलिडरिटी में और कि भी दिल्ली के वकील, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी आप लोगों के साथ में हैं, ये मैसेज भेजने के लिए हमने ये प्रियम्बल रीडिंग का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। तो क्या लगता है जिस तरह से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इन सीए को लेकर के, सरकार का बार बार ये कहना है कि ये लोग जो है राजनीति से प्रेरित हैं, या फिर इन लोगों को समझ नहीं है इस कानून की, क्योंकि कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है? देखिए, राजनीति से तो प्रेरित है ही, राजनीति से प्रेरित तो सरकार का कदम है कि राजनीति से प्रेरित है, तभी तो आपने धर्म को आधार बना करके एक बेतुका जो है तीन देशों को चुन लिया, छह समुदायों को चुन लिया, एक तारीख चुन लिया, तो जिसका कोई आधार नहीं है। 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रोसिक्यूशन हो रहा था और 31 दिसंबर 2014 के बाद इसका मतलब प्रोसिक्यूशन रुक गया, यानी कि उसके बाद कोई लोगों के साथ, मान लो सपोज कोई जाति होती है वहाँ पर किसी भी इन तीन देशों में तथाकथित जाति, तो उनके लिए रास्ते बंद। मतलब ये कैसा मतलब तर्क है कि क्या कारण है ये तो बताएं। दूसरी बात है, सीट डबल ए में आप कह रहे हैं कि हम ये तो सिटीजनशिप देने का है, लेकिन साथ में आप एक खास समुदाय के लोगों को वंचित भी तो कर रहे हो, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 का साफ वायलेशन है कि आपने ये जो ग्रुप बनाया छह समुदायों का, वो उसका आधार मतलब धर्म नहीं हो सकता है। धर्म है तो ये आर्टिकल 14 को हिट करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो संवैधानिक कैसे हो गया? तो पार्लियामेंट से पास हो गया तो क्या 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 पार्लियामेंट के पास हुए कानून वापस नहीं होते हैं क्या? अभी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था जो भूमि अधिग्रहण का कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट का, फिर लोगों ने जब उसकी खिलाफ आवाज़ उठाई तो सरकार ने वापस लिया कि नहीं लिया? और भी बहुत सारे कानून हैं जो कि अगर जनता विरोध करती है, जनता के लिए फ़ायदे के नहीं हैं, तो वापस ले। तो पार्लियामेंट क्या हो गया? पार्लियामेंट कोई खुदा हो गया क्या? पार्लियामेंट किसके लिए है? लोगों के लिए। लेकिन तुम वहाँ पर मेजोरिटी में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अपने एजेंडा को लागू करने के लिए, अपने इलेक्शन वोट की पॉलिटिक्स को सॉलिड करने के लिए आप कुछ भी कानून पास कर देंगे और इस देश की जनता पे आप थोप देंगे। तो कानून पार्लियामेंट सर्वोच्च का मतलब ये नहीं है, क्यों संविधान में लिखा वी द पीपल, तो वी द पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियंस नहीं लिखा हुआ वहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और दो बार जो है कोई भी मतलब ठोस डिसीजन नहीं दिया गया, हर बार जो है सरकार को वक्त दे दिया गया, और जो प्रदर्शनकारी जो हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिली है, तो क्या लगता है, आप लॉयर हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखो, इसमें इसमें दो बातें हैं। एक तो अपनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कि कुछ अब दबाव भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, जजेस के अपॉइंटमेंट्स का जो सिलेक्ट करके भेज रहा है, ये सरकार इतना मतलब अपने आप को सारी सत्ता अपने आप में सिकोड़ लेना चाहती है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करके फॉरवर्ड कर दिया, और उसके तहत जो जजेस अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपॉइंटमेंट के लिए फाइलें बार बार भेजी जा रही हैं, तो ये सरकार जजेस के अपॉइंटमेंट में भी चाहती है कि हमारे ही बात चले, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सुप्रीम है। तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, और दूसरी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, चाहे आपके प्रेस हो, चाहे मतलब सभी संवैधानिक संस्थाएं,
और गैर संवैधानिक संस्थाओं सब पर ये इंदिरा गांधी से ज़्यादा निरंकुश सारी पावर अपने हाथ में कर लेना चाहती है ये सरकार। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है दबाव में है। लेकिन सवाल है, सीएम योगी का बयान आता है, वो कहते हैं कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं ये तो खुद अब रजाई में घुस गए, इन्होंने महिलाओं को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है, तो क्या कहोगे एक सीएम के लिए ऐसी भाषा के लिए? देखिए, जो योगी है वो तो एक अपने आप में एक मवाली है, वो इंसान, उसको तो बोलने की तमीज नहीं है। एक डेमोक्रेटिक देश में वो अब सिर्फ हिंदुओं का राजा नहीं नियुक्त हो गया, उसकी जो भाषा है ये गुंडे और मवालियों की भाषा है, और जिस तरीके से वो यूपी में दमन कर रहा है उसके खिलाफ तो मुकदमा चलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मानवता के खिलाफ अपराध का जो है उसके खिलाफ, जुल्मों का जो है उसके खिलाफ चलना चाहिए, मुकदमे चलने चाहिए उसके खिलाफ में। आप जो है लोगों को मतलब बदला लेंगे, आप जनतंत्र के तरीके से आप आए, अरे तुम्हारी औकात क्या है, 5 साल के लिए तुम आए हो और तुम लोगों को धर्म और संप्रदाय के हिसाब से कह रहे हो कि भाई अब वो अंदर घुस गए हैं, अंदर आप महिलाओं को आगे कर दिया, महिलाएं क्यों नहीं अपने हक के लिए लड़ें? महिलाओं को ये कहना कि महिलाएं आगे नहीं आएंगी, इसका मतलब महिलाओं को मतलब कोई हक ही नहीं बनता आगे आने का। और आप दमन करेंगे तो महिलाएं भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे और पुरुष भी आएंगे, सभी लोग आएंगे दमन के खिलाफ, सब लोग आएंगे, पुरुष भी आएंगे। आपने लोगों को, बेकसूर लोगों के घरों में जाकर के उनकी कुड़कियां कर दी, उनको जो है आप पाकिस्तान जाने की धमकी दे रहे हो, तो ये कोई जनतांत्रिक या कोई भी जिसका मानसिक संतुलन सही हो, कोई ऐसा नेता बयान देगा उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो ही इज़ ए क्रिमिनल एंड ही शुड बी ट्राइड इधर या इतिहास उसको सबक देगा, इतिहास उसको सबक सिखाएगा, इतिहास उसको उसका भी दिन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे अहंकारी, ऐसे घमंडी लोगों को, ऐसे जो सांप्रदायिक लोगों को भी जर्मनी में हिटलर ने दमन किया था, और फिर चुन चुन के उसके जो दमन करने वाले और उसके जितने भी लेफ्टिनेंट थे उनको दुनिया ने चुन चुन के उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उनको ख़त्म किया था। सर एक आखिरी सवाल, अभी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है, उसमें 10 स्थान भारत और पीछे फिसल गया, तो सर क्या कहना चाहोगे? तो पीछे का क्यों नहीं, पीछे जाएगा क्यों नहीं? आप सारी संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी के नाम पर दो आदमी सिर्फ राज कर रहे हैं, आपने सारी सत्ता अपने आप में केंद्रित कर ली है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कहीं छोड़ी नहीं है किसी भी संस्था में। अब यहाँ तो सवाल इलेक्शन कमीशन को भी लेकर के भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं वो भी तो मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं? इंटरनेशनल इंडेक्स तो डाउन जाएगा। लिंचिंग पे आपने बोला पीएम को, और शाहरुख खान से और उनसे और फिल्मी सितारों से बात करने के लिए इंटरव्यू देने का टाइम है, लेकिन जो गौ हत्या के नाम पर जो बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, जो लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पर लिंचिंग हो रही है, और जो व्हाट्सएप पे इंडस्ट्री पे उसके खुद के नेता जो जहर फैला रहे हैं दिन रात, सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं जो इस देश में हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए, तो ऐसे वीडियो चलाए जा रहे हैं, उसको क्यों नहीं बंद करवाता मोदी? उस पर क्यों नहीं एक्शन लेता शाह? ये इतनी गंदी भाषाएँ बोलते हैं इसके नेता गिरिराज सिंह, ये क्या है, प्रज्ञा भारती क्या है उसका नाम, प्रज्ञा ठाकुर है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता? और कोई अगर जो आम आदमी को बोलता है तो उसको कह रहे हम जेल में बंद कर देंगे, आज़ादी के नारे लगाएंगे तो हम ये देशद्रोह होगा। मोदी जी ने कहा मन से माफ नहीं करेंगे प्रज्ञा ठाकुर, हम मन से माफ नहीं करेंगे मतलब ताकि मेरी कुर्सी बनी, ताकि मतलब उसको जो है उसका सपोर्ट भी चाहिए उसे, और लोगों को दिखाने के लिए, उसको लोगों को दिखाने के लिए मन से, और उसके खिलाफ एक्शन ले, उसको सस्पेंड कर पार्टी से। तो ये जो इंडेक्स जो डाउन गया है और भी डाउन जाएगा, तो ये देश भी जो है अगर इनके हाथों में रहा तो पाकिस्तान या म्यांमार या दूसरे जो डिक्टेटरशिप जहाँ पर है उसी की कतार में जाकर खड़ा हो जाएगा, उनसे भी नीचे चला जाएगा। अगर जो लोग नहीं लड़ेंगे, लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उससे भी नीचे चला जाएगा। डेमोक्रेसी का जो थोड़ा बहुत नामो निशान बचा है अगले 5 साल में, ये इन्होंने पूरा एजेंडा तैयार कर रखा है कि उसको भी ख़त्म कर देंगे। चलिए ठीक है।